नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी वर्मा आपको इस मंच से आज एक नई जो वैकेंसी है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जो आज एक कह सकते हैं कि आज एक नई वैकेंसी आज आपके सामने आई है, BEO मतलब कह सकते हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या फिर कह सकते हैं कि भाई शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि 2020 की वाकई में कह सकते हैं कि बहुत ही अवेटिंग ये एक वैकेंसी है, जो कि कह सकते हैं कि 2006 के बाद से अब ये आई है। तो इसमें एक चांस बनता है इस वैकेंसी को, मतलब कह सकते हैं कि कैसे हम ग्रैप करें। और इसमें बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में कि इसमें कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके अंदर सेलेबस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आज हम लोग एक तरह से पूरा एक क्लियर विज़न देखेंगे, एक पूरा का पूरा क्लियर वीडियो देखेंगे जिसमें आपको एक पूरा क्लियर करेगा कि इसमें है क्या चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन वैकेंसीज़ हैं, तो वैकेंसीज़ अगर देखें तो BEO जो कह सकते हैं कि 2020 की जो मेन एक वैकेंसी है, जो कि नए साल में हम लोग के लिए एज अ गिफ्ट है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोग के माइंड में मेन कन्फ्यूज़न ये होता है कि कौन कौन से पर्सन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए पात्रता रखते हैं, कौन से नहीं। तो सबसे पहले यही है कि कौन एलिजिबिलिटी है, ये सिर्फ वही स्टूडेंट क्लियर कर सकते हैं जो बीएड या एलटी ग्रेड जिनके पास है, वो इनको क्लियर कर सकते हैं या फिर वो इनका फॉर्म डाल सकते हैं। अब ये भी मेन स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूज़न होता है, क्या अगर बीएड लास्ट सेमेस्टर है तो वो डाल सकते हैं या फिर ये, तो ऐसा नहीं। बीएड पूरा क्लियर होना चाहिए, एलटी ग्रेड पूरा क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रारूप या इसका सिनेरियो जो होगा, इसके अंदर दो आपके एग्ज़ाम के स्टेप्स होंगे, प्रारंभिक या प्री और मुख्य या मेंस, और कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये है कि आपकी जो मेन पूरी की पूरी कह सकते हैं कि जो मेन मेहनत होगी वो सिर्फ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में होगी और इंटरव्यू नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी मेन कन्फ्यूज़न है कि प्रारंभिक के अंदर क्या क्वेश्चंस आने और मुख्य परीक्षा के अंदर क्या क्वेश्चंस आने, उनके अंदर समयावधि क्या रहेगी और उनका मेन कोर्स क्या रहेगा। तो इसके बारे में अगर देखें तो देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका, उसके लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं और मुख्य परीक्षा जो होगी उसके लिए 400 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 300 अंक निर्धारित किए गए जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी। और इसमें 120 क्वेश्चन जो होंगे प्रारंभिक परीक्षा के अंदर, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरी की पूरी GS जनरल साइंस, सामान्य बुद्धि परीक्षण या फिर रीजनिंग मतलब, और फिर उसके बाद प्रारंभिक गणित बेसिक मैथ्स हाई स्कूल स्तर की, ठीक है, और रीजनिंग भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक मुख्य जो मेन कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कवर जो मेन करेंगे ये 120, ठीक है, मार्क्स पूरे के पूरे या फिर ये सब इसके अंदर होंगे। और अगर मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा, जब प्रारंभिक परीक्षा हमारे पास क्या होगी, ये मुख्य परीक्षा के बेसिस पे ये एक तरह से कट ऑफ का काम करेगी। जब आप इसको क्लियर करेंगे तभी आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, मुख्य परीक्षा के अंदर है क्या कि प्रारंभिक परीक्षा हमारे पास MCQs मल्टीपल चॉइस पर थी, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। मुख्य परीक्षा जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है। मुख्य परीक्षा के लिए समयावधि जो है निर्धारित जो मेन की गई वो 3 घंटे की गई है। और मुख्य परीक्षा में यहाँ पे 3 घंटे में आपके 3 कह सकते हैं सेक्शन होंगे, सामान्य ज्ञान, जनरल कह सकते हैं GS जो होगी जनरल साइंस, सामान्य हिंदी और निबंध। जो सामान्य ज्ञान होगा ये 200 अंक का होगा, सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी और निबंध पूरा 100 अंक का होगा। तो इनको पूरा अगर हम मिलाते हैं तो आपके 400 अंक। अब बात होती है कन्फ्यूज़न लोगों को ये कि मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट ये होगी प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। अब मेन कन्फ्यूज़न है कि चलिए सर कि हमारे पास जो सामान्य ज्ञान है, फिर उसके बाद सामान्य हिंदी और निबंध, और यहाँ पे जो मेन सामान्य ज्ञान है,
ठीक है, बुद्धि परीक्षण और प्रारंभिक। तो इसमें मेन हमारे पास कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है और मेन कौन से सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करेगा वो हमारे पास सामान्य ज्ञान पर प्ले करेगा, क्योंकि जो रीजनिंग और बेसिक मैथ्स है ये आपके कह सकते हैं कि जो बेसिक मैथ्स आएगी वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल लेवल की आएगी, रीजनिंग जो मेन आएगी वो कह सकते हैं कि भाई लो लेवल है। यहाँ पे जो मेन सामान्य ज्ञान है उसका बहुत बड़ा पूरा विस्तार दे रखा है कि इसके अंदर क्या क्या सेक्शन है और कौन कौन से सेक्शन है। तो प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए जो सामान्य ज्ञान के जो मेन टॉपिक दे रखे हैं, अगर हम उनका एक बार जरा से पूरा विश्लेषण कर लें तो हमारे माइंड में एक आइडिया बैठ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे और कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो सामान्य ज्ञान की तरफ अगर देखते हैं तो सामान्य ज्ञान के अंदर टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से दे रखा है। तो इसमें अगर जैसे कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान में अगर सिर्फ आप सिंपल यही देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय इतिहास दे रखा, लेकिन ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर तीनों सेगमेंट आएंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर भारतीय इतिहास दे रखा है, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय इतिहास से तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जो कह सकते हैं कि हम लोग का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको एक अलग तरह से रख दिया है। इसका मतलब भारतीय इतिहास से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन भी इनमें अलग रख दिया, तो ये अच्छी बात है। भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के रिस्पेक्ट में, भारतीय अर्थव्यवस्था भारत के रिस्पेक्ट में, अर्थव्यवस्था के बेसिस पे इसमें करंट अफेयर्स भी जुड़ सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन राज्य व्यवस्था के बेसिस पे देख सकते हैं तो पिछले कह सकते हैं महीने, दो महीने, चार महीने में बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जो राज्य व्यवस्था से भी आ सकते हैं, ये चीज़। उसके बाद भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ये सब भारत के व्यू से। उसके बाद कह सकते हैं कि अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो यहाँ पे भूगोल और ज्योग्राफी वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल दोनों के बेसिस पे बात की गई। ज्योग्राफी का ही एक छोटा सा और पार्ट है जिसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, या तो इन्होंने प्राकृतिक संसाधन ज्योग्राफी में देना चाहिए लेकिन इन्होंने अलग कर दिया। इसका मतलब इसमें भी यही बात है कि ज्योग्राफी से तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इंडिया और वर्ल्ड से प्राकृतिक संसाधन से भी श्योर मिलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, कोयला सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है, कोयले के भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है, इस टाइप के। और सामाजिक समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स जानते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स किस किस सेगमेंट से होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और इन्होंने अलग दे रखा है, क्योंकि ये यूपी कह सकते हैं स्टेट की पूरी एक वैकेंसी है तो यूपी को यहाँ पे समाहित करना ज़रूरी है, तो समाहित करना ज़रूरी है तो यूपी स्पेशल, और इस यूपी स्पेशल के अंदर यूपी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो भी इन्होंने यहाँ पे बताया, शिक्षा संबंधी, संस्कृति, उद्योग, व्यापार और कह सकते हैं करंट अफेयर। तो यूपी का पूरा एक करंट अफेयर रहेगा। ये तो बात हो गई सिलेबस की, और ये बात हो गई कि कैसे ये चीज़ है। अब बात ये है कि अप्रोच अगर हम इसको करें तो अप्रोच हम इसको कैसे कर सकते हैं और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे भी देख सकते हैं कि इसकी तैयारी के लिए हम लोग को पूरा एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि जो हम लोग को बेसिक से लेके पूरा ऊपर तक ले जाए। तो इसी प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने, ठीक है, अपनी एक ऑनलाइन अपनी एक क्लास स्टार्ट की है, जो कि क्लास हम लोग की कह सकते हैं मंडे ऑनवर्ड 6 जनवरी से ये क्लास स्टार्ट होगी, और इसके बेसिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरिका क्लासेस। थैंक यू।